हेलो फ्रेंड्स, तो आप देख रहे हैं ऑलमाइटी जुडिशियल एकेडमी का वीडियो लेक्चर। अगर कोई व्यक्ति सुसाइड नोट में किसी का नाम लिख दे और सुसाइड कर ले तो क्या उस व्यक्ति को अरेस्ट कर लिया जाएगा? ये क्वेश्चन आया था और इट्स अ वेरी नाइस क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा है। पर मैं यही आशा करता हूँ कि ये क्वेश्चन आपने सिर्फ नॉलेज के लिए पूछा है, ऐसी वैसी हरकत करने का कोई इंटेंशन आपका है नहीं। मैं मजाक कर रहा हूँ, लेकिन आपको सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि आपका जो क्वेश्चन है वो सिर्फ सुसाइड से ही रिलेट नहीं करता है, बल्कि सुसाइड नोट में किसी का नाम लिखकर सुसाइड कर लिया, ये पूरा वाक्य इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 सेक्शन 32 क्लॉज 1 ऑफ डाइन डिक्लेरेशन ऑफ उस व्यक्ति का बयान जो मर गया है होमोसाइड या सुसाइड के माध्यम से, उसका कारण बताते हुए एक कागज़ पर पेन से लिखने का इरादा उनके सुसाइड नोट को उनके मरने के बाद पढ़ा जाना है। इसीलिए सुसाइड नोट पर वो अपने मरने का कारण लिखेगा, जिस कारण ने उसको खुद को मारने के लिए मजबूर किया है। मरने की घोषणा एक घोषणाकर्ता की मृत्यु से पहले का बयान है, जिसका उपयोग दोषी पक्ष को फंसाने के लिए भी किया जा सकता है। इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 सेक्शन 32 क्लॉज 1 के अनुसार भारत में आपराधिक मामलों में डाइंग डिक्लेरेशन का उपयोग किया जाता है। सुसाइड नोट्स भी डाइंग डिक्लेरेशन के रूप में योग्य होते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि मृत्यु से पहले घोषणा की प्रकृति बयानों को मृत्यु की अपेक्षाओं के तहत होने की आवश्यकता नहीं है। मरने वाला ऐसी कोई स्टोरी नहीं बनाएगा कि उसकी मौत से रिलेट करे। इन बयानों को भी सीधे मृत्यु के कारण से संबंधित होना चाहिए। वह पूरी घटना के कालक्रम से विशेष घटना का वर्णन कर सकता है जिस कारण से पीड़ित ने सुसाइड किया है, लेकिन इस प्रथा को निम्नलिखित कारणों से अन्यायपूर्ण माना जा सकता है। गार्जा वर्सेस डेल्टा ताऊ डेल्टा फ्रेटर्निटी नेशनल में तर्क दिया गया कि एक सुसाइड नोट उस घटना का एक तरफा खाता है जो लिखने वाला है, जो डिक्लेरेंट है, वो उस तरह के मेंटल स्टेटस में पहुंच जाता है तो अपने जीवन को समाप्त करने का विकल्प चुनता है। और सुसाइड नोट लिखने का ये साफ इरादा है कि सुसाइड नोट बाद में पढ़ा जाए, इसलिए सुसाइड नोट लिखने वाला जो डिक्लेरेंट है वो अपनी बातों को बढ़ा चढ़ा कर भी लिख सकता है, जिन बातों ने उसको खुद को मारने के लिए मजबूर किया हो। लेकिन अदालत ने, कोर्ट ने इस मामले में सुसाइड नोट को खारिज कर दिया। शरद विरदीचंद सारदा वर्सेस महाराष्ट्र में बताया गया कि सुसाइड करने वालों की मानसिक बनावट एक काल्पनिक प्रकृति की होती है, जिसमें वे रहते हैं कल्पनाओं और भावनाओं की दुनिया में, इसलिए वे अपने दुश्मनों से बदला लेने के लिए सुसाइड नोट में एक झूठा नोट लिखने के लिए अधिक संवेदनशील हो सकते हैं। अब ये जो मैंने आपको बताया अभी तक, ये आंसर था कि अगर किसी ने सुसाइड किया और सुसाइड नोट पे किसी का नाम लिख लिया, तो मैं आपकी भावनाओं को समझ रहा था, इसलिए मुझे पता लगा कि आप क्या किस तरह का आंसर लेना चाहते हैं। बिल्कुल कोई भी व्यक्ति सुसाइड करने से पहले किसी को भी फंसाने के लिए सुसाइड नोट पर लिख सकता है, क्योंकि सुसाइड करने वाले व्यक्ति की प्रकृति, मेंटल स्टेटस या मेंटल कंडीशन होती है, वो बहुत डिप्रेस्ड होती है और उस डिप्रेशन में आके उसे ये समझ नहीं आता है कि मैं क्या कर रहा हूँ। मे बी, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि ऐसा ही हो सकता है, ऐसा ही होगा या ऐसा ही होता है, लेकिन ये भी हो सकता है कि किसी व्यक्ति की मेंटल स्टेटस कैसा है उसको ध्यान में रखकर कोर्ट भी वही काम करता है। तो ये आंसर था आपका अभी तक का ये, लेकिन आपने जो एक और क्वेश्चन इसमें पुटअप किया था कि क्या उस व्यक्ति को अरेस्ट किया जाएगा, तो हाँ, पहले उस व्यक्ति को अरेस्ट किया जाएगा, उसके बाद कोर्ट की प्रोसीडिंग्स में क्या सबूत मिलते हैं, क्या एविडेंसेस के हिसाब से उसको कन्विक्शन मिलती है या नहीं मिलती है, वो तो कोर्ट ही डिसाइड करेगा। तो मैं आशा करता हूँ कि आपके क्वेश्चन का आंसर मैंने ठीक ठीक दिया है। ऐसे ही क्वेश्चन अगर आपके पास और भी हैं तो हमें अवश्य भेजें, अवश्य पूछें, और लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।